जनक जी भाषण है ना, दे राजाओं की तरफ देख करके दिए जा रहे हैं, बोल इधर रहे हैं और नजर किधर है, लक्ष्मण लाल जी पर है। क्यों है? क्योंकि लक्ष्मण लाल जी क्या है, डंडा है और डंडे पर झंडा लहराता है, दंड है रघुपति कीरति विमल पताका। तो जनक जी सोच रहे कि डंडा उठे तब ना झंडा लहराएगा, तो इसलिए बोल तो इधर रहे, लेक्चर इधर दे रहे और बार बार लक्ष्मण लाल जी को देख रहे कि शायद जो साजर ये खड़े होंगे तब श्री राम खड़े होंगे, तो बार बार देखे जा रहे हो। इधर लक्ष्मण लाल जी तो गर्म हो ही रहे थे। अंत में जैसे ही जनक जी ने कहा कि वीर विहीन हो गया है भूमि का टुकड़ा, तो लक्ष्मण लाल जी को इतना जोर से क्रोध आया और तुरंत छलांग लगा करके मैदान में कूद गए। और लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि सावधान राजन, जितनी बड़ी बात आपने इस सभा में कह दी है, ऐसी मूर्खतापूर्ण बात तो किसी सभा में रघुवंश का साधारण बालक बैठा रहता है वहां पर भी किसी की हिम्मत नहीं होती इतनी बड़ी बात कहने की, तो आपने इतनी बड़ी बात कह दी। आज इस सभा में रघुवंश के सूर्य श्री राम बैठे हैं और आपने ये कह दिया कि वीर विहीन हो गए भूमि का टुकड़ा। हे मेरे प्रभु, आदेश करो तो ये भूमि तो क्या, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, और ये धनुष तो क्या, इसको ले जाकर के कमल की डंडी की तरह दौड़ता हुआ 100 योजन तक लेकर के चला जाऊं। श्री राम जी से कह रहे कि भैया क्यों नहीं उठ रहे हो, इतना अपमान होने के बावजूद आप बैठे हो। तो श्री राम जी का शांत, लक्ष्मण शांत हो जाओ। देखो हर बार बारिश होने से पहले बादल गर्जना करते हैं ना, तो तुम्हारे माध्यम से गर्जना हो गई है, अब बारिश हो जाएगी, तुम थोड़ा बैठ जाओ। अब इधर राजा लोग कान में घुसुर घुसुर कर रहे हैं कि हे भगवान, ये तो ब्रह्मांड ही उठा लेंगे, ब्रह्मांड उठाने की बात हो रही है। तो दूसरे राजा ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि भैया घर चलो, यहाँ कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है, तो तुम ही कह रहे थे कि बैठे रहो, तमाशा देखना है। तो एक ने कहा कि अरे काहे लड़ रहे हो, ब्रह्मांड जब उठाएंगे तो उठ जाएंगे और थोड़ी देर में रख देंगे तो वापस नीचे आ जाएंगे। तो चौथे ने कहा कि इनके शब्दों को वापस याद करो, इन्होंने ये थोड़ी कहा है, इन्होंने क्या कहा है लास्ट में कि सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालो। वहां फोड़ने की बात कही, रखने की थोड़ी कही है। अब राजा लोग घबरा गए, हे भगवान अगर ब्रह्मांड फूटेगा तो हम तो सभी फूट जाएंगे। तो दौड़ करके आए लक्ष्मण लाल जी, कहने लगे ऐसा है सर छोटके सरकार की ब्रह्मांड उठाई लोगे? बोल हाँ। फोड़ दोगे? बोल हाँ। तो हम तो सब फूट जाएंगे। तो लक्ष्मण लाल जी का चुप रहो, अगर मैं फोड़ूंगा तो जोड़ने वाले पास में ही बैठे हैं, मैं फोड़ दूंगा तो वो जोड़ देंगे। फोड़ने वाला तब फोड़ मजा आए कि जब जोड़ने वाला भी साथ में बैठे, तो बोले जोड़ने वाला साथ में बैठा जुड़ जाएगा। इधर श्री राम जी की तरफ लक्ष्मण लाल जी बार बार देख रहे, भैया क्यों नहीं उठते हो, आप क्यों नहीं उठते हो? तो श्री राम जी का देखो लक्ष्मण, क्रोध मत करो, तुम्हारे क्रोध के कारण सारे लोग हिलने लग गए हैं, डर रहे हैं। तो उसी समय लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि भैया सारे लोग हिल रहे हैं तो क्या मतलब, दो लोग अभी भी हिले नहीं है। कौन दो लोग? बोले एक तो आप नहीं हिले हो और दूसरा है धनुष नहीं हिला है, और जब तक ये आप दोनों नहीं हिलोगे तब तक मेरे बोलने का फायदा क्या है, इसलिए आप हिल जाइए। राम जी का ठीक है, तुम आकर के बैठो।
लक्ष्मण लाल जी तुरंत पास में आकर के बैठ गए और उसी समय जनक जी ने कहा था कि जहां जहां से आए वहां सब चले जाओ। राहु पहुंचा रावण के पास में और कहा मैंने श्री राम मैंने विवाह कैंसिल करवा दिया। रावण ने कहा सब गए? बोले हाँ सब गए। सारे लोग चले गए? बोले सब गए। तो बोले श्री राम भी गए? तो रावण ने कहा नहीं श्री राम वहीं पर बैठे हैं। तो रावण ने दो थप्पड़ लगाए, बोले जब श्री राम बैठे तब तुमने कौन सा काम कर दिया है पागल? मैंने उन चीटों के लिए थोड़ी भेजा, भेजा ही श्री राम के लिए है। और अगर श्री राम बैठे हैं तो फिर कोई फायदा ही नहीं तुम्हारा वहां जाने का। राहु को पिंजरे में बंद कर दिया। और इधर गुरु विश्वामित्र जी ने देखा कि शनि जी लटके हुए हैं, राहु जी भटके हुए। और उसी समय विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति शनि मय बानी। श्री विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना और श्री राम जी से कहा कि राघव उठो और इस धनुष को उठा करके रखना नहीं है। तब क्या करना है? बोले इसको उठा करके तोड़ना है, अहंकार जो है वो टूट जाना चाहिए। उठा रखना है। तो श्री राम जी अपने सहज भाव से उठे, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और सहज भाव से श्री राम जी चलने लगते हैं। अब श्री जानकी जी दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है, शिव जी को मनाया, श्री गणेश जी को मनाते कह रही है कि हे गणेश जी आप इस धनुष को हल्का कर दीजिए। तो श्री गणेश जी ने कहा कि माँ ये काम करने के लिए हम ही आपको दिखे, हम खुद ही कोई कम भारी थोड़ी है।
श्री गणेश जी से कि हे गणेश जी, आप थोड़ा सा इस धनुष को हल्का कर देना। तो श्री जानकी जी से श्री गणेश जी ने कहा कि आपने इस कार्य के लिए मुझे ही क्यों चुना है, हमारा खुद का ही भार इतना ज़्यादा है, हम उसको कैसे हल्का करें। तो श्री जानकी जी ने हंसते हुए कहा कि आप तो केवल हम बहाना बना रहे हो गणेश जी, अगर आप खुद जैसे दिखते हो भारी, अगर वास्तव में उतने ही भारी अगर आप रहते तो क्या छोटे से चूहे पर आप सवारी कर सकते थे? आपके बैठते ही चूहा तो मर जाता, लेकिन आप बहुत हल्के हो, केवल ऊपर से दिखते हो, इसलिए मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। तो गणेश जी भी हंसने लगे, बोले ठीक है। इधर सबको मना करके श्री जानकी जी अंत में धनुष जी से प्रार्थना करने लगी कि हे धनुष देवता, मेरी प्रार्थना है कि आप हल्के हो जाना, मेरे प्रभु जैसे ही आए तो आप बिल्कुल हल्के हो जाना। तो धनुष जी ने कहा कि आप मुझे हल्का होने के लिए क्यों कह रही मैया? तो श्री सीता जी ने कहा कि यहाँ पर जितने भी राजा लोग बैठे हैं ये सब हल्के हैं, और हल्के होने के कारण ये हिल बहुत रहे हैं, और आप भारी हो, और भारी होने के कारण आप हिल नहीं रहे हो। राजा ही हिले बगैर मान नहीं रहे हैं और आप हिल नहीं रहे हो, तो ये हिलना बंद करें और आप हिलना शुरू करो, तब मेरी मनोकामना पूरी होगी। तो इसीलिए आप अपनी जो जड़ता है, अपना जो भार है, वो सारा डाल दो। किस पर? इन पर डाल दो, इन राजाओं पर, ताकि राजा भारी हो जाए, हिलना बंद कर दे, और आप हल्के हो जाओ, ताकि धनुष हिलने लग जाए, धनुष उड़ जाएगा। बोले ठीक है। अब कितना हल्का हो? तो बोले इतने हल्के हो जाओ, इतने हल्के हो जाओ। धनुष जी ने कहा कितना हल्के होए? 100 किलो की, 50 किलो की, 40 किलो की, 30 किलो की, 20 किलो की, 10 किलो, कितना हल्का हो जाए? तो श्री जानकी जी ने कहा कि ऐसा करो, और कुछ बोलने वाली थी, याद आ जाता है पुष्प वाटिका का प्रसंग, कि पुष्प का दोना जब ये उठा रहे थे वाटिका में लेकर के जा रहे थे, तो दोने में मात्र 4 ही पुष्प थे, और उन 4 फूलों को उठाने में इनका पूरा चेहरा पसीना पसीना हो गया है, तब क्या पता कि कितना भार उठा पाए। तो जानकी जी ने कहा कि ऐसा करिए, ऐसा करिए कि एक पुष्प में जितना वजन होता है ना, उतना हल्का आप हो जाइए, और एक पुष्प तो उठा लेंगे, इतनी गारंटी तो मेरी है। तो धनुष जी ने कहा कि ठीक है, हो जाएंगे हल्के। अब जानकी जी बार बार कह रही हल्के हो जाइए, हल्के हो जाइए। तो श्री धनुष जी ने कहा कि मैया, मुझे हल्का होने से कहने से पहले आप अपने इन श्री राम जी की चाल को तो देखिए। बोले इनकी चाल को क्या हो गया है? तो बोले इनकी पीछे इनकी चाल को ये हो गया है कि इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, कितना धीरे चल रहे हैं, और उनको वहां से चल करके यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगेगा, और अगर वो यहाँ तक आए उससे पहले ही मैं हल्का हो गया तो अड़ोस पड़ोस के तो पहले ही जल रहे हैं, तो उनको यहाँ से पहुंचने में जिस चाल से वो चल रहे हैं धीमे धीमे, अगर उस चाल से वो आएंगे तो वहां से यहाँ पहुंचने में उनको समय लगेगा, और उनको उनके पहुंचने से पहले अगर मैं हल्का हो गया तो अड़ोस पड़ोस के तो पहले ही जल रहे हैं, ये दौड़ करके आएंगे और धनुष को उठा लेंगे मैया, और फिर तो मैं उठ ही जाऊंगा क्योंकि मैं हल्का हो जाऊंगा, तो मैया सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ऐसा है कि उन्हें पहुंच जाने दो, फिर मैं आराम से हल्का हो जाऊंगा। जानकी जी ने कहा कि हाँ चल, तो बहुत धीरे रहे हैं। अब इधर श्री राम जी धीरे धीरे पहुंचे धनुष के पास में, और चरणों में गुरु जी के प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया, और अब श्री राम जी ने धनुष की तरफ देखा है, तो उसी समय श्री लक्ष्मण लाल जी अपने सिंहासन से खड़े हो गए, और खड़े होकर के लक्ष्मण लाल जी जैसे खड़े हुए तो लक्ष्मण लाल जी ने गुरु जी ने कहा कि भैया धनुष उनको तोड़ना गए वो है, तुम काहे बीच में खड़े हुए हो? तो बोले गुरुजी, ये जो धनुष है ये साधारण नहीं है, ये जब उठेगा और टूटेगा ना तो इतनी भयंकर गर्जना करेगा कि कहीं दिग्गजों के मुख से पृथ्वी का छोर फिसल ना जाए, इसीलिए मैं इनको सबको सावधान कर रहा हूँ मेरे चरण से। तो गुरुजी इनका अच्छा ठीक है करो। और अब इधर श्री लक्ष्मण लाल जी तो खड़े हैं, और श्री राम जी ने धनुष की तरफ देखा, पर मन में विचार किया कि गुरुजी चाह रहे धनुष टूटे, सारे लोग चाह रहे धनुष टूटे, माताएं चाह रही धनुष टूटे, संत लोग चाह रहे धनुष टूटे, पर जिनके लिए धनुष को तोड़ना है उनका प्रेम मेरे प्रति कितना है
जितना रहेगा उतना ही मात्रा में मेरा काम होगा। श्री प्रभु ने कहा है कि भक्त का लास्ट जो परीक्षा है वो श्री प्रभु, किसी की भी वकालत उस टाइम पर नहीं चलती है। उस टाइम तो भगवान अपनी परीक्षा अपने हिसाब से लेते हैं। तो श्री राम जी ने कहा कि कितना प्रेम है, इनका प्रेम जितनी मात्रा में होगा उतनी मात्रा में मेरा काम होगा। तो श्री राम जी ने पीछे मुड़ करके जानकी जी की तरफ देखा तो श्री किशोरी जी दोनों नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही, आंखों से आंसू बहरे और प्रण कर लिया कि वरण करूंगा तो केवल श्री रघुनंदन का करूंगा, और अगर नहीं हो पाया तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन मैं श्री राम जी के अलावा किसी का वरण नहीं करूंगा। तो श्री राम जी ने देखा कि जानकी जी तो इतनी घबरा रही है कि चिड़िया चुग जा खेत और बारिश बाद में हो तो क्या फायदा, तो अगर ये प्राण निकल जाएंगे इनके और धनुष बाद में तोड़ूंगा तो क्या फायदा, इसलिए इसी समय धनुष को तोड़ना है। तो श्री राम जी ने धनुष की तरफ जैसे देखा तो श्री राम जी ने सोचा कि धनुष है लंबा और मैं हूं छोटा, अगर इसको बीच से उठाऊंगा तो इसका एक छोर तो आगे जाएगा एक धरती पर टिकेगा, तो लंबा वाला जो छोर है उसको मुझे पकड़ना है, तो मैं उसको पकड़ करके इसे नीचे झुका तो सकता हूँ, हाथ में लंबा कर सकता हूँ, लेकिन लोगों के सामने पोल पट्टी खुल जाएगी कि ऑटोमेटिक अपने आप हाथ लंबा कैसे हो गया, हाथ तो छोटा था, तो पोल पट्टी खुल जाएगी लोगों के सामने और पोल पट्टी खोलना नहीं है। तो इसलिए श्री राम जी ने सोचा कि क्या करे क्या करे, और उसी समय श्री राम जी ने बीच से धनुष को पकड़ा और जैसे उठाया तो बिजली की तरह चमका, और जब बिजली की तरह वो चमका तो लोगों की आंखें हो गई बंद, और उसी समय श्री राम जी ने दूसरा छोर पकड़ा और बीच से धनुष को तोड़ डाला। तोड़ा है नीचले से ना अगले से, धनुष को कहां से तोड़ा है, बीच से
धनुष को तोड़ा है, इसलिए तेही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। श्री राम जी ने धनुष ना आकाश में तोड़ा, ना पाताल में तोड़ा, धरती पर तोड़ा है बीच में, इसीलिए तेही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। और श्री राम जी का कहना है कि धनुष अहंकार का प्रतीक होता है, इसलिए मैंने उसको तोड़ा। और अहंकार कब आता है जीवन में? ना तो बचपन में आता है और ना ही बुढ़ापे में आता है। अहंकार कब आता है? युवा अवस्था में आता है। तो श्री राम जी ने कहा कि इस समय इसको तोड़ने की आवश्यकता रहती है, अगर इस समय डोरी चढ़ा के किनारे रख लिया तो ये पतन करवा देता है। तो इसीलिए श्री राम जी ने तेही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। श्री राम जी ने बीच से धनुष को तोड़ा, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है। बोले श्री हनुमंत लाल की, श्री बेरी वाले बाबा की। और जैसे पुष्प वृष्टि की, श्री राम जी प्रसन्न हो गए। अब श्री जनक जी ने कहा कि जानकी हाथ में माला लेकर के जाओ पहनाने के लिए। तो श्री किशोरी जी हाथ में माला को लेकर के चल रही है, तो जानकी जी भी धीरे धीरे चल रही है। तो जो सज्जन राजा, उन्होंने बड़ा सुंदर अर्थ लगाया कि देखो ये युगल सरकार का आपस में विनोद चल रहा है। कैसा विनोद? बोले जानकी जी श्री राम जी से बदला ले रही है। ये कह रही है जानकी जी कि जितना गुमान आपने कमान खींचने में दिखाया, उतना ही स्वाभिमान में आपको हार पहनाने में दिखाऊंगी। मैं मरे जा रही थी, जब धनुष उठाना ही था, तोड़ना था, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आकर के तोड़ देते, तो धीरे धीरे ठुमुक 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 चल करके आ रहे थे। जल्दी जल्दी नहीं आ सकते थे, तो अब धीरे धीरे चल करके आए हो ना, मुझे सताया ना, तो मैं भी आपको सताऊंगा। खड़े रहो बीच सभा में, मैं भी आराम से धीरे धीरे चल करके आऊंगा। अब जा तो सकते नहीं, तो अब चेहरा लटका के खड़े रहो। लेकिन जो दुष्ट थे, उन्होंने अलग अर्थ लगाया। बोले इनका देखो, ध्यान से देखो जानकी की चाल को। बोले क्या हुआ? बोले कितना धीरे धीरे चल रही है, ये धीरे नहीं चल रही है, ये सखिया पीछे से धक्का मार मार करके चला रही है। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि इस वर के प्रति जानकी के मन में तनिको प्रेम नहीं है, ये नहीं चाहते इनका वरण करना, इसीलिए धीरे धीरे चल रही है। जो भी है, लेकिन विनोद तो था। श्री जानकी जी पास में आई। अब श्री राम जी के गले में, जैसे सखियों ने कहा कि वर माला पहनाओ, तो राघव के गले में माला पहनाने के लिए हाथ ऊपर किए, पर श्री राम जी लंबे हैं, किशोरी जी छोटी हैं, तो हाथ जा नहीं रहे हैं। तो श्री राम जी थोड़े से झुकने लग गए, तो लक्ष्मण लाल जी का, ओ भैया इकाओ करो। तो राम जी ने कहा, हाँ क्या हुआ? बोले अच्छा, कल तक तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, रघुवंश की मर्यादा ये है वो है ये है वो है, और आज कहाँ गई? तो बोले मैंने क्या किया है? बोले अच्छा, पता नहीं है कि रघुवंशी राजा किसी के भी आगे सर को झुकाते नहीं है, तो यहाँ झुका रहे, और वो भी नारी के सामने। तो श्री राम जी सीधे हो गए, बोले इनके आगे सर नहीं झुकाना है। बोले ठीक है। तो सखियों ने कहा कि देवी अब इनको मनाना है, तो सारी सखियां मिलकर के श्री राम जी को मनाती है। झुक जा